फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंड नलिनी। आज मैं डोसा बनाने जा रही हूँ। ये डोसा थोड़ा सा रेगुलर डोसा से अलग है। ये है ज्वारी का डोसा। ये मैंने अपनी विभूति दीदी से सीखा है। उन्होंने ये डोसा बहुत ही टेस्टी बनाया और उसके बाद मुझे आइडिया आया कि मैं बनाती हूँ। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन एक्चुअली पहले करनी पड़ती है। इसके लिए मैंने ये कटोरी मेजरमेंट के लिए ली है और इसके लिए मैंने लिया है आधा कटोरी। मैंने ली है इसमें उड़द दाल, 3/4 कटोरी मैंने ली है ज्वारी, ये आप देख सकते हैं ये ज्वार है, और 3/4 कटोरी ही मैंने लिए है चावल, ये बॉइल्ड राइस है, और आधा चम्मच मैंने ली है दाना मेथी। इसके लिए प्रिपरेशन हमको एक दिन पहले करनी पड़ती है। मैंने इनको लेके रात भर होल नाइट सोक किया है। भिगोने के बाद में ये सब सॉफ्ट हो जाते हैं और दूसरे दिन हम इनको पीस लेंगे। पीसने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी वेट ग्राइंडर का। अब ये पीसने के लिए मैंने यहाँ पे एलजी अल्ट्रा का वेट ग्राइंडर लिया है। ये 1 kg कैपेसिटी का है। ये 4 to 6 लोगों की फैमिली के लिए इनफ होता है। इसमें मैं एक एक करके इसमें सभी चीज़ें पीसूंगी। पहले उड़द की दाल, फिर ज्वार और फिर चावल। उड़द की दाल और मेथी सीड्स को आप मिक्स करके एक साथ इसमें डाल सकते हैं। तो हम लोग इसमें डालेंगे अब पीसने के लिए। ये देखिए, ये पीसना तैयार हो गया। इसमें पानी आपको एज पर नीड यहाँ से डालते रहना पड़ता है। ये अंदर से पत्थर का बना हुआ होता है, इसमें पीसना बहुत ही अच्छा होता है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि थोड़ी देर में ये मिक्सचर इसमें फूलने लगेगा। पानी डालते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो मिक्सचर है बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्वार में भी आपको पानी डालना पड़ेगा पीसने के लिए और चावल में भी, तो पानी का रेशो कम ही रखना है। इसके बाद हम इसको इसमें छोड़ देंगे। करीबन 10 मिनट तक इसको फूलने देंगे और ये मिक्सचर फूल के ऊपर आ जाएगा। दाल पीसने के बाद में आप सेम तरीके से इसमें पहले ज्वार और उसके बाद में चावल भी पीस लेंगे और उसके बाद में हम इन सबको मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने उड़द की दाल जो डाली थी वो फूल के ऊपर आ गया है। ये मिक्सचर इसका फूल के ऊपर आ गया है। इसी तरीके से हम चावल और ज्वार भी अलग अलग पीस लेंगे और उसके बाद में इन सबको एक भगोनी में निकाल के मिक्स कर देंगे। इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें एक एक करके इस भगोनी में मैं निकाल लूँगी और निकालने के बाद इसमें इसको 4 से 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये हमारा मिक्सचर फर्मेंट हो जाए अच्छे से। अभी हमें ये मिक्सचर पीसे हुए 6 घंटे हो गए हैं और मैं देखती हूँ कि ये कितना हो गया है। ये देखिए, ये मिक्सचर फूल के एकदम ऊपर आ गया है और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से है कि ये ना बहुत ज़्यादा पतला है और न ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। अब डोसा बनाने के लिए मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूँगी जिसमें मैं इसमें नमक मिक्स कर दूँगी। ये जो मिक्सचर मैंने बनाया है ये 1 से 2 दिन आराम से चलता है। इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं जितना यूज़ नहीं आया उसके बाद, एक बार फर्मेंट होने के बाद में। तो मैं अभी जितना यूज़ आएगा उतना निकाल रही हूँ एक बार। ये मैंने निकाल लिया है और बचा हुआ मिक्सचर मैं साइड में रख दूंगी। अब इस बैटर में मैं नमक ऐड कर दूंगी। नमक आपके स्वादानुसार कर लीजिए। जैसे मैंने इसमें अभी आधा छोटा चम्मच में इसमें नमक मिक्स कर रही हूँ। इस तरीके से मिक्स कर लिया।
अब डोसे बनाने के लिए मैंने ये हॉकिंस का नॉनस्टिक तवा यूज़ किया है। ये एकदम भारी तवा है और इस पर आप अच्छे क्रिस्पी डोसे बना सकते हैं। इसको सिम और मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। डोसा डालते टाइम हमको एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम बैटर तवे पे डालते हैं तो ये जो हमारा चम्मच है इसको हम एक ही डायरेक्शन में घुमाएंगे, उससे इसमें जाली एकदम अच्छी पड़ती है। ये देखिए अभी इसमें धीरे धीरे जाली आना शुरू हो जाएगी क्योंकि ये बैटर अच्छे से फर्मेंट हो चुका है, तो इसमें अच्छे से जाली आ जाएगी। ये देखिए, और जब ये सिकने लगेगा उसके बाद हम इस पर थोड़ा सा किनारों पे और थोड़ा सा इसके ऊपर घी डालेंगे क्योंकि घी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए मैं घी का यूज़ करती हूँ। बच्चों को चॉकलेट डोसा बहुत पसंद होता है, तो अभी मैं इस डोसे को प्लेट पे निकालूंगी। ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है। अभी मैं इस पर चोको स्प्रेड और चॉकलेट टॉपिंग लगा दूंगी। इसको आप थोड़ा सा डेकोरेट भी कर सकते हैं। एक मैं इसको स्माइली की शेप दे रही हूँ, आंखें और मुंह बना के थोड़ा सा। रोल करके अब मैं आपके सामने एक दूसरी वैरायटी डोसे की पेश करने जा रही हूँ, बनाने जा रही हूँ। यह पिरामिड डोसा। पिरामिड डोसे की शेप ऐसी होती है कि वो भी बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती है। ये हेल्दी भी है और दिखने में भी बच्चों को बहुत मजा आता है, इसलिए वो लोग बहुत ही खुशी खुशी इसके खा लेते हैं। ये डोसा हमारा एक साइड से सिकने के तैयार है, अभी हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए इसमें कितनी परफेक्ट जालियां आ गई है और ये फर्मेंट होने की वजह से इसमें टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। और साथ ही साथ हमने इसमें, आपको याद होगा कि दाना मेथी भी आधा चम्मच सोख करके डाली थी उड़द की दाल के साथ, तो उसका सिकते टाइम उसकी खुशबू और उसका फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आता है, ये आप खा के महसूस कर पाएंगे। ये हमारा क्रिस्पी डोसा सिक के तैयार है, इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। इसको इस तरीके से एक साइड से मैंने कट किया। इस टाइप से इसकी शेप हमने पिरामिड जैसी। ये देखिए ये हमारा पिरामिड डोसा तैयार है, ये शेप में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है, शेप में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है और एकदम क्रिस्पी डोसा है। इसको अपन नारियल की चटनी या सांभर के साथ में गर्मा गर्म खा सकते हैं। तो चलिए खाने, बाय बाय।